ये देश झाड़ फूंक से नहीं चलता कि मंत्र दे रहे हैं। क्या है मंत्र देना, उस पर कौन सा झाड़ फूंक आवे भाई, वो मंत्र दे रहा कौन सा तांत्रिक है मोदी। इस बार मोदी के खिलाफ राजनीतिक पार्टियां चुनाव नहीं लड़ेंगी, इस बार मोदी के खिलाफ देश की जनता चुनाव लड़ेगी, जिससे मोदी घबरा रहा है। यार तुम किसकी बात कर रहे हो, मैं नाचने गाने वालों की बात सुनता हूँ, मैं देश के प्रधानमंत्री की बात नहीं सुनता, मैं गृह मंत्री की बात नहीं सुनता, ऐसे नाचने गाने वालों की बात सुनूंगा मैं? वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया, भारत की जनता सीधा साधे क्यों। जिस दिल्ली में खड़ा है MCT के चुनाव में मोदी जी की लोकप्रियता कहाँ चली गई थी, विधानसभा चुनाव में मोदी जी की लोकप्रियता कहाँ चली गई थी, हिमाचल में कहाँ चली गई थी? तरीका बता रहे हैं, आप बदल गए ना, इसे कहते हैं पलटू राम। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे, हमारे साथ हरिंदर ताऊ जी मौजूद हैं जो कि किसान आंदोलन से काफी चर्चित रहे, इनसे खासा बातचीत करते हैं और साथ ही साथ में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के। हरिंदर ताऊ जी, सवाल मेरा ये है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक प्रधानमंत्री मोदी जी कितनी जोरों शोरों से देखने को मिली और तमाम पूरे देश में इस चीज को चर्चाएं चलने लगी। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो मेगा रोड शो था, आपने देखा क्या उसको? क्या मेगा रोड शो देखा आपने? ड्रामा था। बात तो सुनिए, यहाँ पे हम बातचीत करना चाह रहे हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक, तुमने मेगा शो की बात की, ठीक है उससे तो काफी विपक्षी नेता और राष्ट्रीय भारत सरकार और मोदी मान चुका है कि भारत में उसके सिर्फ 400 दिन है और 400 दिन में भी 2 दिन कम हो गए, तो जो सरकार अपने दिन उल्टे गिनना शुरू कर दे तो उसका जाना तय है। अच्छा हरेंद्र ताऊ जी, 9 राज्यों में आने वाले समय में चुनाव है, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी एकदम एक्टिव मोड में है। प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार अपने कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं से जो है मंत्र दे रहे हैं कि किसी के जो है के लिए गलत ना बोले, सबको साथ लेके चलने की जरूरत है, तो कैसे देखते हैं? आज कैसे मोदी को याद आया, मुझे राहत इंदौरी का वो शेर याद आ जाता है, पता करो सरहद पे इतना सरगर्मी क्यों है, पता करो सरहद पे इतनी सरगर्मी क्यों है। भारत में कहीं चुनाव है क्या? तो आज मोदी को देश की जनता की याद आ रही है, हिंदू मुस्लिम पे उसके नेता इस देश में इतनी नफरत फैला रहे हैं, उनका सांसद चाकू छुरियां तेज करा रहा है, है? उनका एक सांसद मंत्री इसी दिल्ली में खड़े होकर गोली मारो, आगे मैं शब्द भी नहीं बोल सकता, ऐसे शब्द बोल रहा है, जब इस मोदी के मुंह में दही जम गई थी क्या, जब क्यों नहीं बोला? लेकिन अब तो मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि किसी के भाव, किसी के समाज को लेकर के उल्टा बोलने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब बीजेपी वाले बोल रहे थे मान गए? क्या कार्रवाई करी ये बताओ, कार्रवाई करो ना, मैं गलत बोल रहा हूँ किसी समाज के लिए तो कार्रवाई करो, अगर कार्रवाई देश का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो कौन करेगा? अच्छा, ट्रंप तो आने का नहीं है कार्रवाई करने। अच्छा ताऊ जी, सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी जब भी जो है चुनाव की रणनीतियाँ करती है बहुत पहले से ही करना शुरू कर देती है, अब सवाल ये उठ रहा है, कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा चुनाव के ही मूड में रहती है, हमेशा चुनाव के मूड में रहती है, तो विपक्षी पार्टी किसी ने हाथ थोड़ी पकड़ा है, वो भी चुनाव रैलियों में रहेंगे तो कर रहे होंगे वे भी। देखिए जितनी राजनीतिक पार्टियाँ हैं, इसे किसी को खेत में हल नहीं चलाना, किसी को बॉर्डर पर जाके गोली नहीं चलानी, इनका काम क्या, चुनाव लड़ना, जनता को बेवकूफ़ बनाना, जनता को मुद्दे से भटकाना, वही काम है ये सारे 5 के 5 साल करते हैं, और क्या करते हैं। क्या लग पा रहा है आपको अभी से प्रधानमंत्री मोदी जी अपने नेताओं को मंत्र दे रहे हैं? देखिए ये हार का डर है। हाँ। देखिए ये देश झाड़ फूंक से नहीं चलता के मंत्र दे रहे हैं। क्या है मंत्र देना, उस पर कौन सा झाड़ फूंक आवे भाई, वो मंत्र दे रहा कौन सा तांत्रिक है मोदी? तरीका बता रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, आप बदल गए ना, इसे कहते हैं पलटू राम। आप कैसे देखते हैं कि एक तरफ, हालांकि आप किसी राजनीतिक पार्टी से पल्लुक नहीं रहते हैं, लेकिन सवाल मेरा ये है कि एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और एक तरफ विपक्ष नेता एकजुटता होने की बातचीत कर रहे हैं, कई जगह मंच भी इस पर साझा किया जा रहा है। आज मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ तुम्हारी बात रोक करके, इस देश में इस बार जो चुनाव होगा, जिससे मोदी घबरा रहा है, इस बार मोदी के खिलाफ राजनीतिक पार्टियां चुनाव नहीं लड़ेंगी, इस बार मोदी के खिलाफ देश की जनता चुनाव लड़ेगी, जिससे मोदी घबरा रहा है, इस बार जनता चुनाव लड़ेगी, जनता वर्सेज मोदी होगा चुनाव, बस ये लिख लो, लिख ले बैठ के, याद रख लेना, जब चुनाव खत्म होगा तब मिल लेना।
तब इसका नतीजा क्या होगा लास्ट में? जनता जब चुनाव खुद लड़ती है, अच्छे अच्छे तानाशाहों को धराशायी करती चली जाती है, ये जनता चुनाव लड़ेगी इस बार। लेकिन मनोज तिवारी तो ये कह रहे हैं कि कोई ऐसा नेता बचा भी है जो मोदी जी की तरह सोचता हो, मोदी जी की तरह नाच रखता हो? यार तुम किसकी बात कर रहे हो? मैं नाचने गाने वालों की बात सुनता हूँ, मैं देश के प्रधानमंत्री की बात नहीं सुनता, मैं गृह मंत्री की बात नहीं सुनता, ऐसे नाचने गाने वालों की बात सुनूंगा मैं? ये तो नाचने गवैया नचैया गवैया है, तो दो कौन है, कौन है जो प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने जो है खड़ा हो भी सकता? मतलब भारत की जनता, जब जनता खड़ी होती है तानाशाहों की गद्दियों को हिला देती है, ये तानाशाह बन गया, इसकी गद्दी हिला देगी। लेकिन फिर भी किसी चेहरे को तो मानना पड़ेगा। क्यों तुम अभी से क्यों देख रहे हो? क्योंकि जनता जिस दिन चेहरा अपने आप ले आएगी, चुनाव आने दो, अभी से तुम मोदी का एजेंडे में हमें नहीं फंसा सकते। हम अपनी पिच पे खेलते हैं, मोदी की पिच पे नहीं खेलते हम लोग। मोदी की पिच पे क्यों ले जा रहे हो हमें खींच के? क्यों ले जा रहे हो भाई? हम अपनी पिच पे खेलते हैं, हम जनता हैं, और जनता चुनाव लड़ेगी और मोदी को हरा देगी। किसी को बना देंगे, आपको बना देंगे, जनता सर्वोपरि होती है। नहीं, अगर ताऊ अगर आपसे उस पर बात विचार किया जाए तो आपका पर्सनल ओपिनियन क्या देख पाते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर? जिस दिन चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी उस दिन हम नाम घोषित कर देंगे। पहले से क्यों बता दें? उसके ऊपर CBI ED के झापे पड़वा दें बिना मतलब किसी का नाम लेके? मोदी नहीं तो कौन है? मोदी नहीं तो कौन? भारत की जनता, भारत की जनता, मोदी वर्सेस भारत की जनता चुनाव लड़ेगी, ये लिख ले आज। इस बार चुनाव कोई राजनीतिक पार्टी नहीं लड़ेगी, भारत की जनता और मोदी। बदलाव की ओर गया, कह रहे हैं कि मात्र एक छोटी सी रोड शो करके गए तो उसी से विपक्षी पार्टियों के पेट में मरोड़ होने लगी, तो सोचिए कि वो भारत जोड़ यात्रा क्या ही कर पाएगी। लोकप्रियता आज भी मोदी जी की उतनी चमक है, उतनी ही बरकरार है। क्यों, जिस दिल्ली में खड़ा है MCT के चुनाव में मोदी जी की लोकप्रियता कहाँ चली गई थी? विधानसभा चुनाव में मोदी जी की लोकप्रियता कहाँ चली गई थी? हिमाचल में कहाँ चली गई थी? कहाँ चली गई लोकप्रियता? जहाँ से आया था जनता ने वहीं भेज दिया, चला तो ले गए तो वहीं भेज दिया ना, जहाँ से आया था जीत गए ना, तो जहाँ से आया था जीत गया। कौन कह रहा? कौन जीते ना? कौन कह रहा? या तो आप पत्रकारिता नहीं करते? अबे मेरे पास 3 रुपए थे, एक ये छीन कर ले गया, एक ये छीन कर ले गया, एक मेरे पास बच गया और मैं खुशी मना रहा हूँ, उछल रहा हूँ कि मैं जीत गया। बस 2 रुपए छिनवा के एक बचा, तेरा 13 ही रुपया था, तेरे पास ही बच गया, तो तू कहाँ से जीत गया भाई? लेकिन गुजरात तो इसलिए अहम हो जाता है ना जीतने के बाद, क्योंकि एक तो उन गृह राज्य है और दूसरा ये है कि गुजरात मॉडल पूरे देश में सभी नाम जानते हैं, तो वो जीते तो उसका एक अलग मैसेज है। क्या मैसेज है? मैसेज है ना, गुजरात चुनाव चुनाव होता है, हर वोट की कीमत होती है, हर सीट की कीमत होती है। अच्छा, मोदी जी के जो काम होते हैं, चाहे अमित शाह जी जो है जिस तरीके से बयानबाजियां करते हैं, जो भी बोलते हैं, जैसे अभी हाल ही में उन्होंने बोलता राम मंदिर का जिक्र किया था, अभी फिलहाल बहुत समय है, लेकिन 1 जनवरी को उन्होंने टाइम दे दिया है, डेडलाइन दे दिया है कि जो है दर्शन करने जाएंगे, तो क्या ऐसे तमाम मुद्दों से क्या जनता के वोटों को लुभा पाएंगे, क्या आपको लगता है? जनता को मंदिर पर कितनी बार लूटोगे, कितनी बार लूटोगे? अरे जनता पूछ रही है 2 करोड़ रोजगार कहाँ है, जनता पूछ रही है विकास कहाँ है, महंगाई कहाँ पहुँच गई, शिक्षा कहाँ है, स्वास्थ्य कहाँ है, बेरोजगारी कहाँ है, हैं? किसानों की आय दुगनी कब होगी, हर घर को छत कहाँ कद मिलेगी? मोदी के वादे याद कराएगी जनता और चुनाव लड़ेगी जनता। वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया, भारत की जनता सीधा साधे तो जनता सवाल करेगी अब। लेकिन तब यही तो कह रहे हैं ना कि अब तो उनके कार्यकर्ता नेता ही घर घर जा करके समझाने को तैयार है कि मोदी जी ने क्या क्या काम किया है। हाँ तो वही तो आन देना, उनसे ही तो पूछेगी जनता, जनता यहाँ से जनता ये बता 8 साल में ये वादे हुए, हिम्मत नहीं नेताओं की चले जाए, मोदी से कह दे तू ही चला जाना घर घर। क्या लगता है धारेंद्र ताऊ जी की मोदी जी की आज भी छवि पहली वाली बची हुई है जो लोकप्रियता नहीं है? नहीं है, बहुत डाउन जा चुकी है। खोटा सिक्का बार बार नहीं चलता, एक दो बार अंधेरे में चल गया, अब जनता ने वो देख लिया, सबके पास पहुंच चुका खोटा सिक्का,
तो सबने देख लिया कि ये खोटा सिक्का है, तो वो खोटा सिक्का नहीं चलेगा। बीजेपी के पास अमित शाह जी हैं, जेपी नड्डा जी हैं, खुद योगी जी हैं, मोदी जी हैं, विपक्षी नेताओं के पास कहाँ इतना चेहरा। जेपी नड्डा क्या है, क्या है जेपी नड्डा? अध्यक्ष है राष्ट्रध्यक्ष, अपने ही प्रदेश में हारा। उसका वो मंत्री जो गोली मारो यहाँ कहता था हारा, वो चाणक्य यहाँ कहाँ चला गया था, दिल्ली में, हिमाचल में कहाँ चला गया था। मैं वही शब्द फिर याद करता हूँ कि हर पीली चीज़ सोना नहीं होती, हर पीला कपड़ा पहनने वाला साधु नहीं होता, और हर टकला चाणक्य नहीं होता, समझ गए? अच्छा, अगर भारतीय जनता पार्टी को अगर लगता है, आपको क्या लगता है किस वजह से नुकसान भारतीय जनता पार्टी का होगा, क्या है वो मुख्य वजह हो सकती है? कोई काम नहीं किया, जो किया जनता से झूठे वादे किए, और झूठे वादे कब तक करोगे? 10 साल हो गए तुम्हें जनता से वादे करते करते, तो जब जनता अब उन्हें इम्प्लीमेंट में भी तो देखना चाहती है, जब तुम वादे करके आए हो ना इम्प्लीमेंट करो ना, क्यों नहीं किए? तो अब जनता उसका जवाब मांगेगी तुमसे, क्या जवाब लेके तुम जनता के पास जाओगे? एक वादा तो बताओ, तुम कहते हो हमने हाईवे बना दिया, अभी दिल्ली से मेरठ जाने वाले हाईवे पे किसके लिए बना? पैसे वालों के लिए हाईवे बना, गरीब आदमी के लिए तो वो हाईवे है नहीं, क्योंकि मोटरसाइकिल से उस पर नहीं जा सकता, थ्री व्हीलर से उस पर नहीं जा सकता, ट्रैक्टर से उस पर नहीं जा सकता, तो वो तो पैसे वालों का, गरीब के लिए क्या बना? गरीब पूछ रहा आपके, तो विकास कहाँ है विकास? अडानी और अंबानी के घर में, रामदेव के घर में, नेताओं के घर में, वहाँ है विकास। सच है ये। क्या आपको लगता है ताऊ जी कि जिस तरीके से राम मंदिर का फिर से जिक्र किया जा रहा है, राम भरोसे भारतीय जनता पार्टी चलने लगी है, या फिर इन 8 से ज़्यादा वक्तों में जो है भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा काम नहीं कर पाई जो जनता के बीच ले जा नहीं सकते? देखिए, सच्चाई ये है कि देश के प्रधानमंत्री ने जितने वादे लाल किले से किए वो पूरे नहीं कर पाए वादे, तो जनता यही तो पूछ रही है कि भाई वादे आपने पूरे नहीं किए तो आप फेल हो, यही तो पूछेगी। केजरीवाल क्या लगता है कि चेहरा बन सकता है? मैं किसी का नाम लेके मैं प्रमोट क्यों करूं, मैं किसी का प्रवक्ता थोड़ा ही हूं। नहीं लगता है कि जनता बनाएगी। मैंने बता दिया ये चुनाव जो होगा ये जनता वर्सेस मोदी होगा, लेकिन बदला आज से ये लिख ले मेरे मुँह से, अब यही चीज़ सुनोगे हर बार, क्योंकि मैं जनता में रहता हूँ और जनता से बात करता हूँ। चलिए, तो हमारे साथ फिलहाल हरेंद्र ताऊ जी मौजूद रहे, जिनसे हमने खासा बातचीत करी आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के। आप क्या कुछ समझते हैं, आप हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल दीजिए हम इजाजत, एक 3D सुनी, धन्यवाद।